तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। यहाँ पर एक और वीडियो पेगासस प्रीमियम की तरफ से, कार आपके सामने ही है। बताने की आवश्यकता क्या है, महिंद्रा की सबसे खतरनाक कार, पहले जो चलती थी आज भी चलती है, बहुत चलती है और बहुत क्वारीज आती है मेरे पास इसके मॉडिफिकेशन के लिए। तो आज आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। यहाँ देख रहे हैं आप XUV 500, जिसका हमने करा है एक बेहद खूबसूरत इंटीरियर, जिसे आप देख के रोक नहीं पाएंगे क्योंकि कलर बहुत सेटल है और जो लुक है वो एक लग्जरी लुक निकल के आ गई है। तो बताऊँ, इसमें हमने इंटीरियर किया है, साथ में कुछ म्यूजिक सिस्टम इनहेंस किया है, कुछ लाइटिंग इफेक्ट भी इसमें डाला है। तो ये स्पेशल आपके लिए वीडियो है, क्योंकि देखिए महिंद्रा थार की तो बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं, जैसे कि ये देखेंगे प्रीमियम इंटीरियर, ऐसी बहुत सारी इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी कार मॉडिफिकेशन को लेकर। बट यहाँ पर ये है स्पेशल आपके लिए XUV 500 का इंटीरियर। चलिए चलते हैं कार की तरफ और बताते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। फिलहाल ये डिलीवरी का टाइम है और हमने इस कार को बेहद खूबसूरत तरीके से, दिल से यकीन मानिए, रेडी किया है, क्योंकि कस्टमर की थोड़ी सी ओल्ड कार हो जाए, 7-8-10 साल पुरानी, जब वो ऐसा मॉडिफिकेशन का डिसीजन लेते हैं तो उनके मन में एक ये चीज़ होती है कि या तो कुछ समय उनको कार रखनी है और या नहीं तो मुझे कार रखनी है अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप लुक जो है कार की, इस समय देख रहे हैं आप कि ये जो एक डैशिंग लुक आपको दिख रही है, वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर है XUV 500 में, क्योंकि जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर थीम है, वो बहुत डिफरेंट है। डबल शेड के अंदर ग्रीन कलर है, जिसके अंदर टेक्सचर बहुत अच्छा है, साथ में बेज कलर का हमने इंटीरियर दे दिया है। तो ऑल ओवर लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, चलेंगे छोटे छोटे डिटेलिंग पे कि इसके अंदर कैसे हुआ, क्या हुआ, कितने में हुआ, ताकि आप भी डिसीजन ले सकें अपनी XUV 500 का। ये देखेंगे पीछे की सीट, तो चलिए एक बार पीछे से दिखाता हूँ सबसे पहले यहाँ से, तो आपको आइडिया लगेगा। तो यहाँ देखेंगे आप, मैंने जैसे ही इसकी जो डिक्की ओपन करी है तो आपको साफ दिख गया होगा ये ग्रीन कलर। तो देखिए यहाँ तक के पैनल्स हैं, जो पिलर्स पैनल हैं पीछे डिक्की का है, यहाँ तक हमने कलर्स को पुट ऑन किया है आपकी महिंद्रा XUV में। पीछे की ये रूफ देख रहे हैं आप, ये वाली ये रूफ हमने करी है बेज कलर में। साइड्स के जो पिलर्स हैं वो हमने करे हैं ब्लैक कलर में। अब आपको लग रहा होगा यार रूफ बेज कलर की है, ग्रीन कलर का सीट्स कवर है, बेज कलर का थोड़ा बहुत इंटीरियर टचअप दे रखा है, तो क्या खास है भाई? देखिए क्या है, अपने हिसाब से जो इंटीरियर मॉडिफिकेशन है, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है वो तो बेहद खूबसूरत है ही है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये कलर अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिसेंट लग रहा है तो आप बताइएगा। तो यहाँ अब आप देख रहे हैं फ्रंट की लुक आप, और ये देखेंगे आप स्टीयरिंग को देख के आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डोल टोन इफेक्ट दिया गया है ग्रीन कलर के साथ, हमने इसमें कार्बन थीम दे दिया है। क्यों? रीज़न ये था कि कार्बन थीम हमने इसके और पार्ट्स में भी दे रखी है, जैसे कि साइड्स के डोर हैंडल हैं, यहाँ के आर्मरेस्ट के पीसेज हैं, और दिस वन ये देखेंगे आप यहाँ पर हमने इसको पियानो ब्लैक कार्बन थीम दे दिया है और ऑल ओवर इंटीरियर भी दिया है। तो डैशबोर्ड से स्टार्ट करें तो जो पार्ट्स है ये देखेंगे, लोअर से लेकर अपर जो डैशबोर्ड है उसको हमने ग्रीन कलर में डिप कर दिया है। जो बीच का पार्ट है वो देखेंगे आप, हमने इसको पियानो बेज में कन्वर्ट कर दिया है, और जो पियानो बेज इससे मैच करता हो ये देखेंगे काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। मतलब अपने आप में ये जो डोर्स हैं वही एक लग्जरी गाड़ी की एक लुक दे रहे हैं। मतलब बैठ के मुझे गुड फील फैक्टर आ रहा है। दोस्तों आपको देख के कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये देखेंगे ये जो लुक है ना, साथ में देखेंगे एम्बिएंट लाइट हमने इसमें इंस्टॉल कर दी है, ये एम्बिएंट लाइट भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है जो बेहद अच्छी लग रही है। और ये देखेंगे नीचे के जो मैट्स हैं हमने इसमें कस्टमाइज मैट्स इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं पूरे, जो मैच कर रहे हैं आपके इंटीरियर से बिल्कुल। अब देखेंगे ऊपर हमने यहाँ वेलवेट का टचअप कर दिया है, इसके जो ये देखेंगे सनवाइजर हैं वो हमने ब्लैक कर दिए हैं क्योंकि ये जो थीम है उसके साथ मैच करते हुए। रियर सीट्स पे एक बारी नज़र डालेंगे तो आप फिटिंग फिनिशिंग क्वालिटी वो सब देख सकते हैं। पीछे आर्मरेस्ट होता है इसकी मिडल सीट में, हमने उसमें देखेंगे ओरिजिनल टाइप से बिल्कुल जो कप होल्डर आपको इस समय दिख रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं। साइड्स के डोर पैनल पे हमने ऊपर वाले हिस्से में ये देखेंगे लेदर रैप कर दिया है, बीच में बेज कलर का इंटीरियर दे दिया है जो ग्लेज है, पियानो ब्लैक के साथ पूरा जो थीम है वो ग्रीन कलर के साथ डाल दी गई है। काफ़ी अच्छा इंटीरियर बन जाता है, खासकर जब आपकी गाड़ी 8-9 साल पुरानी हो और आप उसको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से मॉडिफाई कराना चाहते हो, तो आप ये पेगासस प्रीमियम नाम है ये याद रख सकते हैं, या आप चेक कर सकते हैं एक बारी गूगल पे जाकर, तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में मिल जाएगा, जिससे एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी को अगर इंटीरियर वाइज, आउटर वाइज, मॉडिफिकेशन, म्यूजिक सिस्टम, PPF, सेरेमिक कोटिंग, सब कुछ एक रूफ के अंदर पेगासस प्रीमियम यहाँ पर रिटेलिंग करता है।
ये देखेंगे अब आपकी लग्जरी एक्सयूवी 500 फिनिश हो चुकी है, डिलीवरी का टाइम है। बात करते हैं अमाउंट को लेकर, तो एक बारी मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, बट यहां पर जो कंप्लीट इंटीरियर हुआ है दोस्तों, ये 95,000 में आपकी कार पूरी कंप्लीट चेंज हो चुकी है फुल ऑन लग्जरी में। बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, क्वालिटी, फिनिशिंग और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो यहाँ पर मैटर करती है। जब आप अपनी गाड़ी का अंदर से इंटीरियर कराते हैं, फिनिशिंग वाइज, डिप वाइज, लेदर वाइज, क्या क्वालिटी इसके अंदर लग रही है, क्योंकि इसके जो सीट्स कवर है वो 28,000 के हैं। तो यहाँ पर देख चुके हैं आप महिंद्रा XUV 500 का कंप्लीट इंटीरियर आपके सामने, प्राइस मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ वीडियो तो आप देख ही चुके हैं, देखिए चेंज हो चुके हैं मेरे समय कपड़े। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब हम इस कार की डिलीवरी दे रहे थे तो कस्टमर को 2-3 पॉइंट ऐसे लगे कि यार इसमें मेरे को ये थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा कराना है। क्या कराना है, हमने इसको चेंज कर दिया। तो वीडियो के ये इस पार्ट में साथ में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर इंटीरियर मॉडिफिकेशन में कुछ आइटम पसंद नहीं आती, हालांकि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाते हैं कस्टमर के साथ उसमें मेंशन कर देते हैं कि हम ये कर रहे हैं और इस तरीके से इसकी जो विजिबिलिटी है वो आएगी, बट फिर भी स्टिल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर लगता है कि कुछ चेंज और होना चाहिए तो हम थोड़ा समय और लेकर उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करूँगा, यहाँ आप देखेंगे आप ये पियानो थीम हमने यहाँ पुट ऑन कर दी है, ये वाली कार्बन थीम हैंडल्स में, और यहाँ पर ये चीज़ करने में हमें 2-2.5 दिन का और समय लग गया, क्योंकि पूरे डोर्स दोबारा ओपन हुए, डैशबोर्ड दोबारा ओपन हुआ। देखिए डैशबोर्ड यहाँ से ओपन होता है जो नीचे तक पूरा फ्रेम जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। महिंद्रा XUV 500 के जो कस्टमर्स हैं बहुत हैं, क्योंकि महिंद्रा की पहली ऐसी कार है जिसको मतलब जो एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बिकी थी उस समय, और आज भी उसके कस्टमर हैं, आज भी उसके चाहने वाले हैं महिंद्रा XUV 500 के, और उसी को मेंटेन कराने के लिए, क्योंकि कार मान लीजिए 6-7-10 साल पुरानी हो जाए तो उसी को मेंटेन कराने के लिए कस्टमर आते हैं पेगासस प्रीमियम में। और न्यू कार्स तो आपको पता ही है होती रहती हैं, पर जो उनकी कार जो ओल्ड हो चुकी है, जैसे बोर हो चुके हैं इंटीरियर से, उसको बनाने के लिए स्पेशल पेगासस प्रीमियम पूरी तरीके से निष्ठावान महसूस कराते हैं कि आपका जो इंटीरियर है आपके हिसाब से कस्टमाइज, जो इस समय आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं वो है। ऊपर की रूफ देखेंगे, ये रूफ हमने चेंज करी है, ये भी अगेन प्लेन थी, वीडियो में आप लोग कंपेयर करेंगे, पीछे जाके देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार प्लेन थी, अब यहाँ भी ये कन्वर्ट होकर कंप्लीट, ये ऊपर क्रिस क्रॉस डिजाइन जो सीट्स कवर में था सेम ऐसा डाल दिया है, और ये फाइनली लुक ऑल ओवर जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अब हम चाहते हैं कि कस्टमर के पास चलें, उनसे उनका एक फीडबैक लें कि कैसे उन्हें पेगासस प्रीमियम का काम लगता है, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वीडियो तो दिखा ही रहे हैं, अब वो अपना विचार प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, तो आपके जो मन में ऐसा लगेगा ठीक है कि पेगासस प्रीमियम जो कोशिश करता है दिखाता है वो डिलीवर करता है। सो देख चुके हैं आप कंप्लीट XUV का मॉडिफिकेशन, मिलाते हैं कार के ओनर से, बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कैसे पेगासस प्रीमियम पे उनका जो वर्क है पूरी गाड़ी के अंदर से जो कायाकल्प हो चुका है कैसे लगे। कैसे हैं सर, बताइए सर। बहुत बढ़िया लगा भैया आपका, मजा आ गया इंटीरियर में, अंदर से लुक कैसी चेंज हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल करके दिया है। यहाँ ग्रीन कलर आपने पसंद किया था या सनी ने आपको सजेस्ट किया था? मेरा कोऑर्डिनेशन सनी भैया के साथ हुआ था। अच्छा, सनी भैया और हमने प्लान करा था। अच्छा, तो उसके हिसाब से आपने ग्रीन के साथ वो करा और बीच में कुछ चेंजेस भी करे जो आपको वीडियो में आपको दिख ही गए होंगे, कुछ बेज कलर था, रूफ प्लेन थी, तो वो भी पूरा चेंज करा और फाइनली अब ये डिलीवरी का टाइम है। तो सर का बहुत धन्यवाद कि बहुत दूर से आए, काफ़ी टाइम दिया उन्होंने, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी टाइम लग भी गया और यकीन मानिए, बट अंदर से जो लुक आई है, मतलब जो महिंद्रा XUV 500 के जो वाकई में चाहने वाले हैं उनके लिए ये इंटीरियर मतलब बहुत मतलब कैलकुलेट करेगा, मतलब कलर वाइज आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, मगर जो एक थीम है इंटीरियर की, एक पूरी लग्जरी लुक अंदर से बन चुकी है ये कार, क्यों सर? बिल्कुल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।